सब्सक्राइब कीजिए चैनल जायके दरखाने को और न्यू रेसिपी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायके दरखाना। आज मैं आपके साथ खिचड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। खिचड़ी एक बहुत पौष्टिक डिश होती है। जब भी हमें कुछ अच्छा खाने का हमारा मन हो और वो जल्दी से बन जाए तो खिचड़ी बनाइए। खिचड़ी को बच्चों को भी बना के खिला सकते हैं, बहुत हेल्दी होती है ये। तो चलिए शुरू करते हैं खिचड़ी की रेसिपी, इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। जी, मैंने 2 कटोरी राइस लिया है, 1 कटोरी दाल है, इसमें 1/2 कटोरी मूंग की दाल और 1/2 कटोरी मसूर की दाल है, 2 बड़े चम्मच तेल है। खिचड़ी को हम घी में भी बना सकते हैं, यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। 2 बेलीफ है, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है और 1/2 टेबल स्पून नमक है। नमक हम बाद में स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा है, 3 हरी मिर्ची इनको मैंने चॉप्ड कर लिया है, 1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 मीडियम साइज का टमाटर इसको भी चॉप्ड कर लिया है और 1 मीडियम साइज की प्याज है इसको भी इस तरह के स्लाइस कर लिए हैं। जी, खिचड़ी में कुकर भी बनाऊंगी, चलिए गैस ऑन कर लेते हैं, उस पर कुकर रख देते हैं। जी, गैस पे मैंने कुकर रख दिया है, कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम जी अपने तेज पत्ता डाल देते हैं, जीरा डाल देती हूँ, जीरा को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद लहसुन डाल देते हैं, अदरक भी डाल देंगे। जीरा और लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे लगभग 1/2 मिनट। अब इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ, इसमें हम ग्रीन चिली डाल देते हैं। अगर बच्चों के लिए खिचड़ी बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं होते हैं। इनको भी फ्राई कर लेंगे हम। खिचड़ी एक बहुत जल्दी बनने वाली डिश होती है, जो बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा डिश है, इसको झटपट बना के खा सकते हैं जब उनकी मम्मा घर पे ना हो तो। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम जो टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को जब तक पकाएंगे जब तक वो अच्छे से गल ना जाए, टमाटर पूरी तरह तरह गल जाना चाहिए। इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, हल्दी भी मसाला के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएगी। गैस की फ्लेम को हाई रखा है, हल्दी को 1 मिनट मसाला के साथ भून लेंगे हम। टमाटर भी पूरी तरह पक चुके हैं, अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। दाल और चावल मिला के जो मेरा 1 कटोरा हो रहा था, इसी कटोरे से मैंने 3 कटोरे पानी डाल दिया है। जब भी हम खिचड़ी बनाएं तो पानी ट्रिपल डालें, ट्रिपल पानी डालने से खिचड़ी अच्छी नरम बनेगी और डबल पानी डालेंगे तो वो फरेरी बनेगी, इसलिए खिचड़ी बना रहे हैं तो ट्रिपल पानी ही डालें। अब इसमें हम जो नमक और लाल मिर्च डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर अवॉइड भी कर सकते हैं अगर ज्यादा तीखा पसंद नहीं है तो। अब हम जो पानी में नमक टेस्ट कर लेते हैं और नमक अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं, पानी में नमक बिल्कुल बराबर होना चाहिए। चलिए अब इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। देखिए, ये वाटर अच्छे से बॉइल हो चुका है, इसमें हम अपने दाल और चावल डाल देते हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया है 3 टाइम जिससे ये वॉश हो सके पूरी तरह। अब इसको कुकर में डाल देते हैं, अब इनको चला देंगे हम। मैंने 1/2 चम्मच नमक और डाला था, थोड़ा सा नमक कम लग रहा था। अब इसमें उबाल आने देंगे, वाटर में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं ढक्कन लगा दूंगी और 2 सीटी लेंगे पहले
गैस की फ्लेम को हाई रख के इसके बाद गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो आंच पे हम 3 सीटी लगाएंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये खिचड़ी बनके तैयार है, बहुत टेस्टी खिचड़ी बनी है। इसके ऊपर हम ये घी डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी सर्व करें तो घी डाल के खा सकते हैं। धनिया पत्ती डाल देते हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और इस रेसिपी को बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।